सुशांत सिंह राजपूत मामला जिसमें एक और नया खुलासा होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियन की फ्रेंड रश्मि देसाई से पूछताछ। जी हां, आपको बता दें कि रश्मि देसाई ने खुलासा किया था कि उन्होंने दिशा सालियन से पार्टी के ठीक एक दिन पहले फोन पर बात भी की थी। कयास लगाया गया था कि इस पूछताछ के बाद दिशा के निधन से जुड़े कई राज भी सामने। बता दें कि एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने इस बात का दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियन के साथ एक दिन पहले दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने की प्लानिंग कर रही थी, जबकि बाद में उसके निधन की खबर 8 जून को ही आ गई थी। यानी कि 7 जून को रश्मि देसाई ने दिशा सालियन को कॉल किया था और सारी प्लानिंग गोवा में घूमने की हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि 8 जून को उसके निधन की खबर कुछ इस तरह सामने आएगी। रश्मि देसाई ने दावा किया था कि 7 जून को हिमाचल प्रदेश घूमने की बात हो रही थी दिशा सालियन के साथ फोन पर। 7 जून को जब मैंने उससे बात की तो हम अक्टूबर में शिमला घूमने की बात कर रहे थे। मैं बहुत ही करीबी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, इसलिए हम शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसलिए फिर हमने कहा कि हमें मिलना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। रश्मि देसाई ने आगे ये भी कहा था कि मैंने उस घटना के एक दिन पहले ही दिशा सालियन से बात की थी। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, हमने बहुत नॉर्मल तरीके से बात की थी। हमने काफी लंबे वक्त से बात नहीं की थी तो उस वक्त हम भी ज्यादा वक्त तक बात नहीं कर पाए थे। हमने बाद में मिलने की पूरी प्लानिंग बनाई, लेकिन अगले ही दिन मुझे दिशा सालियन के निधन की खबर मिली थी। तो ये है पूरी खबर रश्मि देसाई और दिशा सालियन को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।